बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि आज जो काम काज भी अगला बनता है, जो भी सीन है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। कि बीरा सैन को काफ़ी बुखार है, वो बिस्तर में है अभी। चीज़ लेके आई है मैमा और समीर तो उसके दी है, लेकिन समीर की तैयारी करती हूँ, समीर की और कभी मैमा की जो स्कूल जाएंगे और मैं कभी आज घर ही रहेगा, लेकिन फोत की वाले घर में भी जाना है। लेकिन फिर भी तो चलो किसी के पास कबीर को थोड़ी देर छोड़ जाऊँगी। तो अभी मैमा और समीर की तैयारी करती हूँ, तो ये चलते हैं स्कूल। बाकी अगला सीन जो भी है वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लगी हूँ मैं जी अदरक पीस रही। आज अभी मेडिसिन लेके आती हूँ, बीपी 190 पे हो गया था, तो इसलिए तो अभी बच्चों को जो मर्जी, माँ बीमार हो चाहे जो कुछ मर्जी हो, बच्चों को तो खाना देना ही है। वो तो अभी छोटे हैं, उनको क्या पता, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन फिर भी सालन के बगैर बच्चे खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने कहा घर में आलू ही पड़े हैं, बस वो ही बना देती हूँ जी। अदरक उसमें लहसुन नहीं छिला जाता, अदरक ही डाल लेती हूँ आज। तो अभी इसको पीस लेती हूँ, और ना तो आज बात हो रही है और ना ही कोई पता चल रहा है कि मैं क्या करूँ जल्दी जल्दी। लेकिन ये मिलते और शोर की वजह से जब इंसान किसी इसी तरह की जगह पे जाता है ना, फौज की पे या कहीं, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी जब बच्चों को खाना बनाती हूँ तो रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, सब लेटती हूँ, शायद फिर ही ठीक हो जाए। डॉक्टर को बुलाया था लेकिन वो इंजेक्शन वगैरह भी लगा गया है, मेडिसिन भी दे गया है, बीपी की गोलियां मैदे की जो भी उसने देनी थी, जो वो सारे शरबत वगैरह दे के चला गया। तो अभी खा लिया है, तकरीबन 10-15 मिनट पहले आया था डॉक्टर, तकरीबन 20 मिनट हो गए होंगे। तो अभी अगर लेट ही रही तो बच्चे कह रहे हैं बच्चों ने सुबह के भी खाना नहीं खाया, मम्मा जी हमें भूख लगी हुई है, तो अभी उनको बना के देती हूँ सालन और रोटी, तो खा लेंगे। क्योंकि अगर वो भूखे रहे तो मुझे खुद भी सुकून नहीं आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ। ये अदरक पीस लिया है मैंने, तो अभी दूसरा सामान तैयार करती हूँ फटाफट और जल्दी जल्दी। ये मेरी मामा पत्नी कब बड़ी होगी कि जब मामा इसकी ठीक ना होगी तो ये सालन रोटी अपने भाइयों को बना के देगी, खुद भी खा लेगी, तो मेरी टेंशन फिर ख़त्म होनी है ना। दे अदरक पीस लिया है मैंने, तो ये एक साइड पे करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोतगी वाले घर के बाहर जो रिश्तेदार है वो आए हैं हमारे घर में मेहमान, तो अभी जो चाय शाय बांध रही है, साथ में नीमको बिस्किट भी मंगा के तो मेहमानों को देती हूँ चाय पानी। तो शाम हो चुकी है, अपनी तबीयत भी यार ठीक नहीं है बिल्कुल, बीपी हाई हो चुका है। तो अभी ये नमक और बिस्किट मैंने डाल लिए अम्मी के लिए, सासू माँ के लिए, यानी कि चीनी के बगैर शुगर के बगैर चाय निकाल लिए। अभी अपनी आपी को यानी कि अपनी बड़ी नंद भी मेरी आई हुई है, तो उसको उनके लिए भी चाय बना रही हूँ, इसमें अभी शुगर ऐड की है। ये चाय मैंने रख ली है अम्मी जी के लिए, ये लिए अभी लेके चलती हूँ। अब जी आई हूँ मैं छत के ऊपर से धनिया लेने, तो माशाल्लाह जी सूर्य निकल चुका है, आज धुंध वगैरह भी नहीं है, काफ़ी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, काफ़ी मज़े का मौसम। तो अभी मैं इधर से ये धनिया फ्रेश फ्रेश काटती हूँ, काट के नीचे ले जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मैंने काट लिया है, अब चलती हूँ नीचे। तो माशाल्लाह जी सब्ज़ी मेरी और अभी ये आसमान पर चांद, एक तरफ सूरज है और एक तरफ चांद है, और ये लाली जिसे शार्क भी बोलते हैं क्योंकि अपनी कभी तारों के ऊपर सुबह सुबह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अम्मी जी का बैग, और अभी मैंने एक कंबल निकालना और मेहमानों के लिए सर्दी है, बाद में काम करूंगी, पहले कंबल शम्बल बिस्तर वगैरह के लिए निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के लिए लगे हैं सालन बनाने, कुछ लहसुन प्याज सब्ज़ी में मिर्च मैंने ऐड कर ली है, तो अभी इसमें ऐड करना है मैंने अदरक, वो करती हूँ तो जल्दी जल्दी फटाफट बनाती हूँ, फिर मेहमानों के लिए और भी इंतजाम कोई करना, क्योंकि इनके पापा तो इस जगह घर है नहीं, तो हमारे चक्कर गोश्त भी नहीं इधर से मिलता, तो अभी टेंशन लगी हुई कि क्या करें या क्या ना करें। चलो सोचते हैं इस बारे में बात में, तो पहले ये बना लूँ बच्चों के लिए, बच्चों को सुबह का खाना नहीं खाया। हाँ जी जी, क्या लेके आई हो? बर्तन ले ला। चल जी मामा, मेरी बर्तन लेके आई है, तो मैं बना रही हूँ सालन, तो साथ अम्मी और बाजी के लिए, और अंडे उबा रही हूँ क्योंकि मेहमान सब्जी में सब्जी काफ़ी ज़्यादा है, और सफर दोस्तों का साथ था, तो इसलिए मैंने कहा साथ साथ अंडे भी बना के देखनी चाहिए ईजी है, लेकिन अंडे अभी बाद में उबार रहे हैं क्योंकि दो तीन दुकानें चेक की हैं, अंडे मिल नहीं रहे थे, अभी वो एक काफ़ी दूर दुकान है उधर से सीमेंट बेटा लेके आए, तो ये आलूओं की बनाई भी अच्छी तरह होगी। अभी मैं मसाले निकाल लेती हूँ, मसाले ऐड करती हूँ उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अम्मी के लिए अंडे उबारे थे, लेकिन और मेहमान आ गए, अब उनको भी चाय और अंडे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमानों को चाय पानी दे लिया, तो सालन भी माशाल्लाह जी तैयार हो चुका है, तो अभी बनाती हूँ रोटियों, पहले बच्चों को देती हूँ, आज कबीर बेटे के चोट भी लग गई है सीढ़ियों से गिरते गिरते, तो अभी रोटियाँ बनानी हैं, आटा मेरे पास पड़ा है, तो फटोफट रोटियाँ बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का टाइम हो रहा है, तो मेहमानों के लिए चाय बना रही हूँ, और मेहमान आए हैं अभी, तो ये मैमा और कबीर भी मेरे पास खड़े हैं, क्योंकि कबीर को काफ़ी तेज़ बुखार है, इधर मेरे पास है, तो अभी और मैमा इधर बैठ के रो रही है, मुझे आपके साथ ही नींद आती है, वैसे नहीं आती, तो मम्मा जल्दी करो मुझे भी चाय दो, मैंने आपके साथ ही सोना है। ऊंची ऊंची रो, ऊंची ऊंची ऊंची, मेहमानों को तो आवाज़ आ नहीं रही, थोड़ा सा ऊंची रो ना, मुझे पता चले मैमा मेरी रो रही है, आस्ता आस्ता नहीं रोना है। तो फिर बेटा लेटो, मैं आ रही हूँ, रशो ना लेटो ना, जाके लेटो मेरा शेर है, फिर मैं विक्स भी लावांगी, तो शरबत भी तेन देवांगी, नाले गोली भी देवांगी, थोड़ी कि मैं गोली दें दी तेन हूँ भी, ठीक है ना, गोली खा लेंगा तू, लंघ जाती अद्धा पीस करके लंघ जानी है, हाँ अद्धा पीस खा ली ना, ज़्यादा ना खाई, अद्धा पीस खाई। अभी चाय पहले शुगर के बगैर बनानी है, अम्मी जी को देनी है, तो उसके बाद फिर जी शुगर डालूंगी दूसरे मेहमानों के लिए।